टकराने से गंभीर रूप से घायल युवक की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक का इलाज पहले जबलपुर बाद में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कराया गया। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत 50 साल के अधेड़ की मोटरसाइकिल अज्ञात वाहन से टकराई, अधेड़ की हुई मौत। एक्सीडेंट पीहर नदी के पास गप्पू धर्मकांटा के आसपास हुआ। अधेड़ के साथ बैठे दूसरे शख्स की हालत अब बेहतर, उनके सर पर 10 टांके आए हैं। विजय शंकर, जिनकी उम्र 50 साल, रीवा आए हुए थे अपने मित्र राम अवतार के साथ। रात उन्होंने अपने नजदीकी रिश्तेदार के घर पर अमरैया दुआरी में बिताई। सुबह उठकर उन्होंने कहा, मैं गांव जाऊंगा। तैयार होकर नाश्ता करके वह लगभग 8 बजे के आसपास घर से निकले। थोड़ी देर में उनके घर पर सूचना आ गई, उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनकी मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मारी है, जिसकी वजह से उनकी और उनके मित्र की हालत गंभीर है। दोनों को 108 की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। परिजन रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान विजय शंकर की मौत हो गई। वहीं उनके मित्र गंभीर रूप से घायल हो गए, उनका उपचार चल रहा है। बीहर नदी के पुल के आगे गप्पू ढाबे के पास विजय शंकर मिश्र की मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने ठोकर मारी थी। विजय शंकर चुरहट सीधी के रहने वाले थे, रीवा आए थे, अपने नजदीकी रिश्तेदार के घर पर रुके हुए थे। लौटते समय यह गंभीर हादसा हो गया। अमरैया दुआरी गांव से जैसे ही निकले, बस थोड़ी ही देर में उनकी मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। विजय शंकर गिर गए और उनके सर पर, उनके शरीर पर गंभीर चोट आ गई। उनके साथ बैठे उनके मित्र राम अवतार विश्वकर्मा को भी गंभीर चोट आई, उनके सर में लगभग 8 से 10 टांके आए हैं। फिलहाल राम अवतार विश्वकर्मा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, हालांकि उनके सर में काफी टांके आए, 8 से 10। वहीं विजय शंकर गंभीर रूप से घायल थे, उनकी उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में ही मौत हो गई। उनके सर सहित पूरे शरीर में काफी चोटें आई थी। संजय गांधी अस्पताल की पुलिस चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पंचनामे की कार्रवाई के बाद, पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस बात की जानकारी हमने उनके नजदीकी रिश्तेदार सहित विश्वविद्यालय थाने के TI से बात की। आइए आपको सुनाते हैं विश्वविद्यालय थाने के TI और उनके नजदीकी रिश्तेदार ने एक्सीडेंट को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कहाँ के रहने वाले थे सर? उनका नाम विजय शंकर विश्वकर्मा था। वो चुराट के पास मिसरगामा के रहने वाले हैं, हमारे फूफा जी। वो हमारे पास कल आए थे अपने बच्चे को छोड़ने, वो गया इंदौर ड्यूटी करने के लिए। और रात भर रुके थे, सुबह उनको जाना था गाँव, बोले हम जाएँगे अब दुकान वकान खोलने। तो नाश्ता वास्ता किए हैं, चले हैं, तो वही बीहर नदी के आगे बाईपास के पास पहुँचे हैं। तो शायद अब अज्ञात लोगों से जानकारी मिल रही है कि ट्रक के चपेट में आ गए हैं, पीछे से मार दिया है। तो हम लोग मौजूद नहीं थे, हम लोग की जानकारी मिली थी। आपके कौन थे? हमारे फूफा जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल हम इस पर।